हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप अपने लिए टीचिंग की जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे आप अपने रिज्यूमे में अपनी प्रोफाइल समरी मेंशन कर सकते हैं और उसी से रेफरेंस लेके कैसे अपनी नौकरी प्रोफाइल में भी अपनी समरी को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरा वीडियो और प्रैक्टिकली सीखते हैं। दोस्तों, अपनी नौकरी प्रोफाइल में अपनी प्रोफाइल समरी अपडेट करने के लिए देखिए यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है प्रोफाइल समरी का। यहाँ पर अगर आप अपनी प्रोफाइल समरी को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना है इस ऐड प्रोफाइल समरी ऑप्शन पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आ गया जो कह रहा है, गिव रिक्रूटर्स अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ योर करियर, की अचीवमेंट्स एंड करियर गोल्स टू हेल्प रिक्रूटर्स नो योर प्रोफाइल बेटर। तो देखिए प्रोफाइल समरी में आप बहुत सारे डिटेल्स लिख सकते हैं, जिसमें आप ये लिख सकते हैं कि आपके करियर की हाइलाइट्स क्या हैं, आपके की अचीवमेंट्स क्या हैं, आपके करियर गोल्स क्या हैं, जिससे आपकी प्रोफाइल के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सके रिक्रूटर और एचआर प्रोफेशनल, जिससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको बेटर इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ या इंटरव्यू कॉल मिल सके। अब इसको अपडेट किस तरीके से करना है, आइए सीखते हैं। आइए दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं सैम्पल रिज्यूमे में, जिसमें मैंने मेंशन की हुई है ये प्रोफाइल समरी। तो आप देख सकते हैं ये एक प्रोफाइल समरी है जो कि एक साइंस टीचर की है। आप देख सकते हैं इसमें जो मैक्सिमम चीज़ें लिखी गई हैं वो कैंडिडेट के वर्क एक्सपीरियंस, स्किल सेट और इसकी कोर कॉम्पिटेंसीज से रिलेटेड है, उसके की डिलीवरेबल से रिलेटेड है, मतलब वो अपने जॉब में क्या काम करता है, किस तरीके के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करता है, ये सारी चीज़ें मेंशन हैं इस प्रोफाइल समरी में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस समरी को कॉपी कर लेना है। और दोस्तों, इस प्रोफाइल समरी को कॉपी करने के बाद आपको इस ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आप इस प्रोफाइल समरी को पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये प्रोफाइल समरी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो ये यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके बाद आपको फाइनली सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी प्रोफाइल समरी यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफाइल समरी सेव हो गई है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से इस प्रोफाइल समरी को आप अपने रिज्यूमे में टॉप पर लिख सकते हैं। और याद रखिए, रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी ठीक तरीके से लिखने से आपका रिज्यूमे काफ़ी इम्प्रेसिव दिखता है और इससे आप अपने रिज्यूमे के थ्रू एचआर को, रिक्रूटर को इम्प्रेस करने में कामयाब होते हैं और ये आपको बेटर इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी दिला सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, और इस वीडियो को उस कैंडिडेट से ज़रूर शेयर करना जो अपने लिए टीचिंग की जॉब ढूंढ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।